स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट ऑर्गन सिस्टम एंड डिसीज। हमने जो है ऑर्गन सिस्टम के बारे में जो है सभी पार्ट पढ़ लिए थे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी के बारे में जो है ना हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स हैं, एक पार्ट रहता है उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे, और कुछ बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, जिस जो हम यूरिन निकालते हैं यानी जो हम पेशाब निकालते हैं वो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, ठीक है, आपको पता है जो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता, स्मॉल विली लाइक स्ट्रक्चर थी, जो वो विली लाइक स्ट्रक्चर थी वो क्या कर रही थी, एब्जॉर्प्शन कर रही थी किसका, वाटर का और न्यूट्रिएंट, जो वाटर और विटामिन और मिनरल्स जो थे, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मिनरल्स थे, जो वाटर था और जो विटामिन थे, अब वो एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, आपके किडनी में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ पर इस, ये आपको किडनी दिख रही है ना, जी हाँ, यहाँ पर आपको किडनीज दिख रही होंगी, ये किडनी होती है, ठीक है, इनमें चले जाता है पानी। अब यहाँ से क्या होता है, जो ब्लड होता है यानी कि जो पानी या जो ब्लड जो बिल्कुल प्योर है उसको तो जो है पूरी ब्लड वेसल्स के द्वारा, नसों के द्वारा पूरे ब्लड में भेज दिया जाता है, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो गंदा पानी बचा है यानी जो हमने टॉक्सिक खाना खाते हैं, यानी जो वाटर हम लेते हैं उसमें के द्वारा जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो नुकसानदायक होती है, वो क्या होती है, आपकी ये जो यूरेटर दिख रही है, ये पाइप्स दिख रही हैं, ये यूरेटर होती है, इनके द्वारा क्या होती है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएंगी। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये आप यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर जो है आपके जो लिक्विड था वो चला जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपका जो यूरेथ्रा दिख रहा है, यूरेथ्रा से क्या होता है, आपका जो लिक्विड था यानी कि जो आपका यूरिन था वो क्या होगा, थ्रो आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, स्टोर कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। जो आपका यूरिन होता है वो स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। किडनी क्या करता है, जो हमने वाटर एब्जॉर्ब किया था उसको प्योरीफाई करेगा, प्योर जो ब्लड होता है उसको तो ब्लड की प्योरीफिकेशन में मदद करता है, ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है उसको तो बॉडी में भेजा जाता है, प्लस में जो ब्लड के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें थी, जो नुकसानदायक चीज़ें थी, उन्हें क्या पानी के साथ बहाकर आपके यूरेटर से निकाल दिया जाता है, यूरेटर से जाकर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में, ऐसे जो ये प्रोसेस अपनाई जाती है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका यहाँ से जो आपका यूरिन का जो इजेशन हो जाता है, और जो खाने का इजेशन आपने पढ़ा था एनएस में होता है, ठीक है। किडनीज की बात करें स्टूडेंट, किडनी में क्या होता है, आपको मैंने बताया ब्लड और विद यूरिया होता है, ब्लड होता है और यूरिया होता है, यूरिन होता है, ठीक है, जो ये मैंने जो आपको बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस की बात करो, देखिए ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि ना हमारे पास ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो ना हो तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है ना वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक होता जाएगा, जहरीला होता जाएगा, और इससे हम क्या हमारी जो तबीयत ख़राब हो जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। डिसीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए बीमारियाँ, आप जब भी है ना आप बीमार होते हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे कई बार आपको ना बीमार होते हो तो आपको ना शरीर आपका गर्म हो जाता है, आपको बुखार होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हम जो है इस लेसन इस वीडियो में जो थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हमें कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, या फिर हमें जैसे कई बार क्या होता है ना, मच्छर ने काट लिया तो हमें मच्छर से होने वाली बीमारी से मलेरिया हो गया, ठीक है, या फिर आपको जो है बुखार फीवर वगैरह हो जाते हैं, आपको जो है उल्टी लग जाती है ना, तो आपकी जो डिसीज़ होती है वो क्यों होती है वो थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो उससे पहले पहले जो हम डिसीज़ जो हमें होती है उनके होने का जो कारण है ना वो हमें पहले जो है पढ़ लेना चाहिए कि वो होती क्यों है और वो कितने टाइप्स की होती है। तो टाइप्स की बात करें तो जो डिसीज़ है स्टूडेंट्स वो हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है, फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड सेकेंड इज़ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारियाँ जो कि क्या हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जो है जुखाम हो गया, ठीक है, और आपके पास जो व्यक्ति बैठा है, ठीक है, आप जो बार बार जो स्नीज़ कर रहे हो, बार बार छींक रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या कि कुछ टाइम बाद आप जो दूसरा बंदा है ना वो भी स्नीज़ करने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोल्ड है यानी जो जुखाम है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि जो जुखाम है वो फैलता है, यदि आपको हो गया और दूसरे को हो गया तो वो फैलेगा, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, ज़्यादातर ये जो बीमारियाँ होती हैं जो कम्युनिकेबल, ये फैलती हैं आपकी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के द्वारा। जैसे कई बार क्या होता है कि ना, आपके जो गर्दन के पास कई बार देखा होगा कि कईयों को दाद हो जाता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, यदि वहाँ उसको टच करोगे बार बार, तो आपके उस पार्ट से दूसरे पार्ट पे भी वो चला जाएगा, प्लस में वो फंगल इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति को भी हो सकते हैं। यदि वहाँ पर जो फंगस थी वो उड़कर जो है आप किसी दूसरे व्यक्ति के ओर लग गई, तो वो उसकी स्किन को भी ख़राब कर सकते, उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि कई बार है ना, तुमने सुन रखा होगा छोटी माता, ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है ना, बड़ी माता, छोटी माता, तो ये हो जाता है, यानी कि पिंपल्स निकल आते हैं। तो कई हम देखिए, जब भी है ना ऐसा होता है तो क्या करते हैं लोग है ना, अपने घर के बाहर जो है नीम की डाली लगा देते हैं। वो किसे लगाते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस घर में जो बीमार है उसको जो है चिकन पॉक्स हो रखा है। ठीक है, उसको क्या हो रखा है, चिकन पॉक्स जो है वो हो रखा है, यानी कि उसके घर में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो चिकन पॉक्स है वो भी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एक एक व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो गया, तो है ना पड़ोस में जो दूसरा व्यक्ति है ना, यानी उसकी जो बहन है, ठीक है, उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ डिसीज ऐसी होती है जो कम्युनिकेबल होती है, जो आपको होगी तो दूसरे होने के चांसेस हैं। सेम ऐसी कुछ होती है नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करें तो ऐसी बीमारियाँ जो कि फैलती नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है ना, आपको क्या है, आपकी जो जीभ की है ना जो टेस्ट बड्स ख़राब हो चुकी हैं, मान लीजिए कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो काम नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ को टेस्ट पता नहीं लगा रहे हो पा रहे हो। ठीक है, तो आपके जो ऑर्गन जो है जीभ जो है वो डैमेज हो चुकी है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या ऐसा होगा कि जो आपके पास जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी टेस्ट बड्स ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपके दांत ख़राब हो गए तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके भी दांत ख़राब, के पास वो बैठे तो उसके दांत ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको बार बार सांस चढ़ती है, आपके जो हार्ट काम नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि जो दूसरा आपके पास व्यक्ति बैठा है उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ डिसीज़ क्या होती हैं, जब ऑर्गन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, ऐसी जो डिसीज़ होती है उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप है ना खाना नहीं खा रहे, ठीक है, तो आप जो है दुबले पतले हो, प्लस में आपके पास कोई मोटा आदमी आके बैठ जाता है और वो खाना अच्छे से खाता है और वो मोटा तगड़ा है, ठीक है, तो ऐसा होगा कि आप जो पतले हो तो आपकी जो पतले वाली बीमारी उसको लग जाएगी, वही पतला हो जाएगा, फिर वो मोटा है तो आप उसकी मोटे वाली बीमारी आपको लग जाएगी, आप मोटे हो जाओगे, ऐसे होता है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जो होता है ये होता है नॉन कम्युनिकेबल, यानी एक ऐसी जो बीमारियाँ, ऐसी चीज़ें जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो दो तरह की हमने पढ़े, एक फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज़ द नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना वो फैलती कैसे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ है वो डायरेक्ट संपर्क में आने से। फॉर एग्जांपल, आप क्या करो, गंदी जगह पर रहने लग जाओ, जहाँ पर गारबेज वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, आप जो गंदे कपड़े पहने लग जाओ, तो आपको जो है क्या होगा, जो बैक्टीरिया वगैरह हवा में जो बैक्टीरिया पड़ जाता है वो क्या होगा, उनको आपके कपड़ों पर लग जाए और आपको वो डिसीज़ होगी, यानी कि बीमारी क्या है, उस जम्स में थी, उन बैक्टीरिया में थी और वो उन बैक्टीरिया से आपकी बॉडी में आ गई, तो ये ऐसी जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार है ना कुत्ता मर जाता है, ठीक है, जानवर मर जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाने लग जाते हैं और उसको गला सड़ा देते हैं, और अभी आप वहाँ पर रहोगे आपको बदबू वगैरह, तो हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चले जाएँ, तो आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे जो है वो डिसीज़ होती हैं, ये ऐसे डिसीज़ हो जाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। अब एजेंट की बात करें तो जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी फैलती है बैक्टीरिया से, वायरस से और प्रोटोजोआ से। वायरस की बात, बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए जो बैक्टीरिया है ना वो हमारे बैक्टीरिया और जो वायरस है ये जो है हमारी जो अर्थ है ना इस पर बहुत लाखों को, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत करोड़ों सालों पहले से जो है प्रेजेंट है बैक्टीरिया। ठीक है, बल्कि अब इनसे जो बीमारियां होती है ना, जैसे कि आपको टाइफाइड हो जाता है, प्लेग हो जाता है, चोलेरा हो जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, टीबी वाली जो बीमारी, इसमें आप खांसी खांसते रहते हो तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। तभी भी ये ना बहुत हैवी जो बीमारी इनको फैलाते हैं, जैसे कि आपका टाइफाइड में आज आपको बुखार हो जाता है, प्लेग की बीमारी, ठीक है, चोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ऐसी बीमारी, टीबी में जैसे कि
खांसी वगैरह आना, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी। तो वायरस के बारे में एक स्पेशल बात है स्टूडेंट्स, ये क्या कि वायरस है ना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो बीमारियां फैलाता है, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स, मेसल्स, मम्स, कॉमन कोल्ड, जैसे ठीक है जैनी जुकाम आपको जाता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये जो बीमारी होती है। अब देखिए वायरस है ना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यदि वो आपकी बॉडी में चला जाए तो ये ज़िंदा हो जाता है, लेकिन यदि वो आपकी बॉडी से बाहर है तो ये जो है ज़िंदा नहीं रहता, यानी कि ये जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, यानी कोई भी मूवमेंट नहीं करता। लेकिन जब भी ये जो है तब ज़िंदा हो जाते हैं जब इनको कोई जो है फैलने के लिए कोई घर मिल जाए इनको, ठीक है, यानी कि किसी की बॉडी के अंदर जब रहने लग जाते हैं तो वो उसकी बॉडी को खाना जब इनको मिलने लग जाता है, न्यूट्रिशन मिलने जाते हैं, तो ये अपनी ग्रोथ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी आप अभी जो बीमारी फैल रही है COVID-19 वायरस वाली जो बीमारी है वो भी ये वायरस है, ठीक है। तो वायरस को यदि वायरस जो है वो इसी होते हैं कि यदि वो बॉडी में है तो वो ज़िंदा बिहेव करते हैं, ठीक है, और बॉडी से बाहर जाने पर वो जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। सेम ऐसे प्रोटोजोआ भी है, ठीक है, प्रोटोजोआ भी जो है वो बीमारियां फैलाता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे जो मच्छर होते हैं ना मलेरिया वाला जो मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, तो वो जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो क्या करते हैं मलेरिया वाली जो बीमारी फैला रहा है, ठीक है, उसके जो डंक होते हैं उसके ऊपर ये बैक्टीरिया, ये जो प्रोटोजोआ है ना ये प्रेजेंट होता है। जब भी वो डंक लगाते हैं यानी हमें काटता है तो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें जो है मलेरिया वाली डिसीज़ हो जाती है। सेम एज एम्योबिक डाइसेंट्री ऐसी जो ये बीमारी हो जाती है। फंगी की बात करें तो फंगी जो है वो स्किन डिसीज़ है, जैसे कि एक बार मैंने आपके गले के ऊपर है ना फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, सर्कल्स हो जाते हैं, घेरे हो जाते हैं रेड एस कलर के, तो वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं यानी फंगी से होने वाली बीमारी है। अब देखिए बात करें तो ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, तो बीमारियां फैलने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई जो मक्खी है वो किसी बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया के पास गई, ठीक है, उस या फिर किसी ठीक है तो उसने क्या किया आपके खाने के ऊपर जो है अटैक कर दिया, खाने के ऊपर बैठ गई, आपने वो खाना खाया तो आपको वो बीमारी जो है वो हो सकती है। सेम एज चीज़ मॉस्किटो, मॉस्किटो यदि आपको काटेगा और उसके डंक के ऊपर मान लीजिए कोई प्रोटोजोआ प्रेजेंट है हार्मफुल तो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो इससे भी आपको बीमारियाँ हो सकती हैं। तो बीमारियां जो होने यानी कम्युनिकेबल डिसीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है एयर, यदि आप जैसे मान लीजिए ऐसी एयर में सांस ले रहे हैं जैसे जो है ना जहाँ पर बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो आप बीमार हो जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया आप जो है ना पानी पी रहे हो, ठीक है, उसमें वायरस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसने जो वो जो है बीमार है पहले से, ठीक है, तो उसने पानी पिया तो उसने क्या कर दिया झूठा कर दिया, ठीक है, उस आपने फिर बाकी का जो बचा पानी वो आपने पी लिया तो क्या होगा जो वायरस से बैक्टीरिया था उस पानी वो उस पानी के द्वारा आपके अंदर भी चला जाएगा, तो एयर से वाटर से ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी ने आपको टच किया जैसे COVID-19 में कहते हैं कि आपको जो है 1.5 मीटर जो डिस्टेंस बनाए रहे ताकि कोई टच ना करे, तो ये भी जो COVID-19 वाली जो बीमारी ये भी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ठीक है। तो जैसे आप जो है एयर के या फिर खाना पीने के उसमें, ठीक है, तो या फिर कोई इंसेक्ट बाइट कर लेगा तो ऐसे जो है ये कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलती है। अब होस्ट की बात करें तो होस्ट कौन होता है, होस्ट वो होता है जिसको जो है वो काटा गया। होस्ट जो है कोई भी हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, तो ये सभी जो होस्ट है। फॉर एग्जांपल जो बीमारी फैला रहा है वो तो क्या होगा उसको स्प्रेड कर रहा है, प्लस में जिसको बीमारी हो रही है जिसको वो काटा जा रहा है जिससे, ठीक है, वो होता है होस्ट, जिसको काटा जा रहा है वो होता है होस्ट, ठीक है। तो होस्ट जो है वो कोई भी हो सकते हैं, जहाँ जिसको बीमारी लग रही है उसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट इज़ ए पर्सन और लिविंग बींग, होस्ट क्या होता है कोई भी पर्सन या लिविंग बींग होता है विच डिसीज़ अटैक, जिसको जो है बीमारी अटैक कर लेती है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो जैसे यहाँ पर बीमारी लिख रखी चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में आपको पता है कि है ना रेड रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी है, ह्यूमन बींग्स को होती है। चोलेरा की बात करें तो चोलेरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी जो इंटेस्टाइन उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। चोलेरा की बीमारी होने पर क्या होता है हमें इन्फेक्शन हो जाता है और हमें जो है लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो ये जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है स्टूडेंट्स, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईटिंग, जैसे गंदा खाना खा लिया, आपको पता है जब भी हमें ना जब भी हम गंदा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है तो हमें उल्टी होने लग जाती है या फिर हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो है चोलेरा में होता है।
डायरिया की बात की तो डायरिया वाली जो है वो गंदा खाना या गंदा पानी पीने से जो है हमें डायरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो स्टमक है, हमारा जो पेट, उसमें दर्द होने लग जाता है, हमें लूज़ मोशन होने लग जाते हैं, हमें जो हमारा सिर दुखने लग जाता है। तो ये होता है जो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे होती है, मान लीजिए कोई हाउस फ्लाई है, उसके पैरों के प्रोटोजोआ लगा और उसने क्या किया, गंदा आपके जो खाने उसको क्या कर दिया, गंदा कर दिया, या फिर पानी को गंदा कर दिया, तो उससे जो है यह बीमारी आपको डायरिया हो सकता है। रिंग वॉर्म होता है फंगल इन्फेक्शन, फंगस होने से आपके गले के ऊपर रिंग्स हो जाती हैं, सर्कल्स हो जाते हैं, रेड रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो और उसमें खुजली होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये होते हैं फंगल इन्फेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल जो है ह्यूमन बींग्स को होने वाली बीमारी है। अब आपको प्रिवेंट कैसे करना है बीमारियों से, तो देखिए स्टेप्स आपको क्या करना है, जब भी आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ हो तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने आसपास का जो एरिया है वो आपको क्लीन रखना है। अब हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें, जैसे कि COVID-19 वाले में आपको करते हैं। हमेशा मास्क का यूज़ करें, जब भी आपका छींकें या फिर कफ वगैरह करें तो जो है टिश्यूज़ पेपर का यूज़ करें, फिर मास्क जो आपका रुमाल होता है उसका यूज़ करें। हमेशा अच्छा खाना खाएं, साफ़ खाना खाएं, ठीक है। और जो है गर्म पानी जो है वो आप पिएं, ठीक है। और जो आपका इम्यून सिस्टम को जो है बेटर बनाए, जैसे COVID-19 में जो ये जो है जो हम स्टेप्स यूज़ करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। गंदी चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। और जो जो बीमार है व्यक्ति है उस जो साफ उससे जो है 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखें, ठीक है। और जो पानी है उसको एक जगह इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर वगैरह पैदा ना हो। तो मच्छर वगैरह होंगे तो क्या होंगे, वो उसको खाएगा और जो बीमारी ऐसे फैल सकती है पानी के द्वारा। और क्या करें, वैक्सीन और जो इंजेक्शन हैं वो आप लें ताकि ज़्यादा जल्दी यहाँ से आप ठीक हो जाए। और जो सबसे मेन क्या है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, टीके वगैरह दवाई वगैरह लेनी चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।